छोड़ देते हैं, ये हो छोड़ देते हैं, नहीं पिएंगे क्योंकि बहुत थकापन लग रहा है। पता नहीं शायद खराब हो गए होंगे, बहुत दिन से रखा हुआ। और इधर देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या है यहाँ पे? रसमलाई। दोस्तों कल ही लाए थे, रात में लाए थे, एक खाए थे और एक रख दिए। कोई भी सब्जी स्वाद नहीं लगता है क्योंकि तेल दे नहीं भी देती है ना, फिर भी मुंह में लगता है कि तेल बहुत ज्यादा दिया हुआ। खाते हैं हम। और अभी फिलहाल इसका धुआं होने लगा है और ये लोहिया में रोटी बनाती है क्योंकि तवा टूट चुका है इनका, और तवा से अच्छा रोटी। हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। सुबह सुबह प्यार भरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दोस्तों अभी देखिए क्या सब कर रहे हैं आंगन में और कौन सा काम चल रही है सुबह सुबह, तो आप लोग देख ही लीजिएगा एम एस अर्तिका पे जाके कि आंगन सब बाहरी मम्मी चूल चौकार बीत बर्तन जितना भी होता है हम लोग का घर में काम धंधा सब सारा काम मम्मी ही करती है, जो कि फास्टिंग में रहती है, फिर भी क्या करेगी, मजबूरी है अभी दोस्तों। और अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं और हमारे हस्बैंड सब क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग को दिखा रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को फुल वॉचिंग कीजिएगा और प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा क्योंकि आप लोग के प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को। तो दोस्तों वहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारे हस्बैंड जी नारियल फोड़ दिए और यहाँ पे आके बैठ गए हैं, देख सकते हैं, और सब बैठे हुए अपना अपना खा रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं मोबाइल में। और यहाँ पे देखिए नारियल का पानी कैसे लग रहा है दोस्तों, अब बताइए पिए कि ना पिए, बहुत खट्टापन लग रहा है जब पीने के मतलब दिए निकाल के एक घंट जैसे ही पिए ना पूरा खट्टापन लग रहा है। छोड़ देते हैं ये हो, छोड़ देते हैं नहीं पिएंगे क्योंकि बहुत खट्टापन लग रहा है। पता नहीं शायद खराब हो गए होंगे, बहुत दिन से रखा हुआ है घर में, उस दिन से ऐसे तो तीन दिन चल गए थे पूर्णिया में उधर, इसलिए और घर में रखल रखल भी सड़ जाता है। और इधर देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या है यहाँ पे? रसमलाई। दोस्तों कल ही लाए थे, रात में लाए थे, एक खाए थे और एक रख दिए, चार लाए थे, एक दीदी को दे दिए, एक शिवा खा गए। हमने खाया। तो दोस्तों अभी हम खा लेते हैं, भूख बहुत जोर से लग गई है हमको। और इनके बाद जो है थोड़ा सा सेब, और पता नहीं ये भी पचता है कि नहीं पचता है, और सेब है, सेब ला के खाएंगे, फिर अभी आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों हम खा लिए और खा के यहाँ पे रख दिए, देख सकते हैं। और यहाँ पे सबको चाय मिल गया है, हम चाय नहीं पिएंगे, चिंता नहीं है क्योंकि बिस्कुट सब है, भुजिया सब, सब में चाय को हमको। हाँ ये खाने पे पूरा धरफड़ लगा हुआ है इनको, उनका चाय संड गया, पूरा फास्टिंग में चाय सब पी लिया है। तो चलिए दोस्तों हम भी खा लिया और भूख लगल अभी इतना तो नहीं। अब दीदी जी देखते हैं क्या सब बनाई है नहीं बनाई है, तो अभी चलिए दिखाते हैं आप सबको। तो दोस्तों वहाँ पे देखिए दीदी जी है और क्या क्या सब बना रही है, चुपके चुपके से बनाती है, चुपचाप सब्जी बना ली है, देख सकते हैं, इधर आटा भी सान ली है, रोटी बना ली है। तब दीदी और सब बताइए, आजकल बहुत मायूसी रहते हैं आप? मायूसी तो कहते हैं काम धंधा से फुर्सत है नहीं, तो तबीयत खराब से तो की करूं। बात तो सही है दोस्तों, यही दीदी है कि बहुत फिर भी सौंठ देती है। फिलहाल में इनको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मत पूछिए दोस्तों, हंसी भी आता है बोलने में। अभी सच बता रहे, मतलब दोनों आदमी का, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इन्हीं का, दोनों आदमी का माइंड इतना कोई भी बात होंगे ना इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मत पूछिए। कल ये अपने बेटे को इतना डंगाए, हमको तो इतना गुस्सा उठ रहा था, मन हो रहा था कि इनको बहुत कुछ बोले, लेकिन हमसे बड़ी हम क्या कुछ बोलते, तो छोड़ दिए। कल क्यों आप रौनक को डंगा रहे थे? खाना भी डाल दिया अलग में खेल के, तब भी बदमाशी करने लग गई। क्या कीजिएगा, बच्चा है, ऐसे करते हैं सब। एक थरिया में सब गरा खा लिया, वो चाहे जो हम उसे हटा हमारा देखे खातिर मार बदमाशी लेकर सब बच्चा से ताकि मिलजुल के खेता। सब्जी कतेक बने थी? आलू बैंगन परवल। बहुत अच्छा सेंट आ रहा है दोस्तों, सब्जी इनका सब्जी मतलब कुछ भी नहीं देते हैं ना, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब से मेरी तबीयत खराब हुई है ना, हमको कोई भी सब्जी स्वाद नहीं लगता है क्योंकि तेल दे नहीं भी देती है ना, फिर भी मुंह में लगता है कि तेल बहुत ज़्यादा दिया हुआ, इसलिए हम कोई भी चीज़ हो, आलू हो, परवल हो, या भिंडी हो, या झींगा हो, कोई भी चीज़ हो, तो उनका चोखा बना के खाते हैं हम। और अभी फिलहाल इसका धुआं होने लगा है और ये लोहिया में रोटी बनाती है क्योंकि तवा टूट चुका है इनका, और तवा से अच्छा लोहिया रोटी। हाँ लोहिया रोटी, और इसमें अच्छा सब्जी भी हो सकता है, बहुत अच्छा सब्जी रोटी बनता है, और छोटा बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसी तरह बने रहिए।
दोस्तों आ गए हैं दीदी जी वहाँ पे रोटी सब्जी बना रही है और यहाँ पे देखिए सबको चाय बिस्कुट भुजिया मिल चुका है। हमको कोई नहीं पूछ रहे, यहाँ पे बेचारा को खाते खाते काम करना पड़ता है। देखिए इतना ज़्यादा मजबूरी है अभी हम लोग के पास। तो चलिए दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग इसी में ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को ये करते हैं यहीं एंड, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।